हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। एंड कर रहे हैं जोडियाक रीडिंग्स। ये पर्टिकुलर रीडिंग टॉरस सन मून राइजिंग के लिए है और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम 16th to 31st of October 2024 है। और ये सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। और टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, आप अपना सन मून राइजिंग तीनों साइंस ज़रूर देखिएगा। बाकी रीडिंग्स भी मैंने अपलोड की हैं। तो टॉरस सन मून राइजिंग कलेक्टर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं डिवाइन। पहला कार्ड लेंगे फाइनेंस का, उसके बाद लेंगे करियर या प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद लेंगे हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ या लव लाइफ कह सकते हो आप। ओके, बॉटम की एनर्जी मजिशियन की आई है गाइस। एक बार ना मैं सारे कार्ड्स रिमूव कर लूँ, उसके बाद ही मैं गाइडेंस लूँगी। वैसे मैंने ये वाले कार्ड्स प्री शफल किए हैं, तो देखेंगे टॉरस के लिए क्या गाइडेंस आती है। देखते हैं टॉरस सन मून राइजिंग फॉर माय कलेक्टिव्स हियर। टॉरस सन मून राइजिंग 16 से 31 अक्टूबर क्या मैसेजेस हैं। अब डायरेक्टली रीडिंग पर भी स्किप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल्स हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आपकी है वाव, फाइनेंसेस में तो बहुत ग्रेट मूवमेंट है गाइस। आपको शटा शट बैंक ट्रांसफर दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दिख रही है, इनकमिंग मनी दिख रहा है यहाँ पर, अलाइनमेंट दिख रही है। ठीक है, वर्क प्लेस पे भी अलाइनमेंट दिख रही है फाइनेंसेस से, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसेस के कार्ड से। ओके, बहुत अमेजिंग एनर्जी है, वाओ। अरे यार, प्रोफेशनल लाइफ में करियर में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आई थिंक थोड़ा सा मन नहीं लगना काम में, या फिर वर्क प्लेस पे किसी तरीके की डिसएग्रीमेंट, या फिर ऑफिस वाला प्यार भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली कुछ कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। कोई सैडनेस और सॉरो तो लग रहा है ना। हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं हो पा रही हैं करियर या प्रोफेशनल लाइफ में, तो वहाँ की ये सैडनेस दिख रही है थोड़ी सी। बट गाइस चिंता मत करो यार, बादल छटते हैं और बादल आते ज़रूर हैं, बारिश होती ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है बदल जाएगा। ओके, हेल्थ के लिए द हायरोफेंट, आई थिंक आप किसी हीलर से मिलने वाले हो, किसी डॉक्टर की विजिट रह सकती है आपकी इस टाइम फ्रेम में। एंड क्योंकि बॉटम की एनर्जी मैजिशियन की थी, तो ये डॉक्टर विजिट आई थिंक बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। किसी हीलर के पास जा रहे हो, किसी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हो, अल्टरनेटिव हीलिंग के लिए जा रहे हो, तो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है, और हो सकता है कि वर्क से रिलेटेड प्रेशर बहुत महसूस कर रहे हो, इसलिए आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। ज़्यादा ना देखो भाई, ज़्यादा काम करना, उतना स्ट्रेस मत लो कि आपकी जान पे बनाए। ठीक है, डेडिकेटेडली अपना एक ईमानदारी से काम करना चाहिए, बट एक लिमिट होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों कार्ड मुझे लगा कि हो सकता है वर्क प्लेस पे ना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए भी कुछ हेल्थ में हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, फाइनली लव लाइफ या पर्सनल लाइफ, द हाई प्रीस्टेस, नाइस गाइस, रेवलेशंस हैं यहाँ पर। आपकी इंट्यूशन कुछ आपको इंडिकेट करेगी, आपको गाइड करेगी, एंड थोड़ा उनको अपने इंट्यूशन को ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम फ्रेम में। सेकेंड, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये जो आपको पोमोग्रेनेट अनार दिख रहा है, बहुत ही अबंडेंट फैमिली लाइफ रहने वाली है, फैमिली रिलेशनशिप रहने वाले हैं, लव लाइफ रहने वाली है, ऐसी एनर्जी है। हैप्पीनेस दिख रही है, फुलफिलमेंट दिख रही है, एंड एक्चुअली हायरोफेंट के साथ द हाई प्रिस्टेस मुझे एक हील्ड कपल की भी एनर्जी दे रहे हैं, जैसे दो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है कुछ माइन्यूट परसेंटेज के लिए।
आप शायद अपनी यिंग या यांग हीलिंग कर रहे हो, आपके पार्टनर जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या फिर डिवाइन फेमिनिन है, वो अपने आप को शायद रिवील करें इस वक्त। आपको बड़ा कनेक्शन महसूस हो लव लाइफ में, ये भी मैसेज है आपके लिए गाइस, टॉरस। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी थोड़ा सा वर्क प्लेस पर ना चीज़ें लाइट ले लो गाइस, कोई फ़ायदा नहीं इतना स्ट्रेस लेके, खामखा अपनी तबीयत ख़राब करोगे आप। ओके, तो उतना ही स्ट्रेस लो जितना बॉडी अलाउ करे, और स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, उतना काम करो, दिल से काम करो जितना बॉडी अलाउ करे। ओके, अभी बाकी गाइडेंस देखेंगे आपकी। द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। भैया खुशी है अल्टीमेट पर्पस, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं एक्सेल शीट्स एंड बार्स एंड ग्राफ्स में जो प्रोग्रेस होती है वो नहीं होती है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस अपने अंदर की खुशी है, ठीक है, तो आपको उससे जुड़ना है। एंड आपको ना डिवाइन डायरेक्टर से एक और मैसेज है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को लूज छोड़ो, हो सकता है आपने जो प्लानिंग करी है, ठीक है, सोच समझ के करी है, 5 साल के 10 साल के कोई गोल्स एंड प्लान्स बनाए हैं, बनाने भी चाहिए, एम्बिशियस रहता है बंदा, कर्म करने की जज्बा रहता है, मोटिवेशन रहता है, लेकिन उसके भी एक लिमिट है ना गाइस, अगर वो आपको स्ट्रेस देने लगे तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा लेट गो करो अपने कंट्रोल को, ये मैसेज है किसी भी एरिया में। ओके, द सेक्रेड वुमेन, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड सेक्रेड वुमेन, मैंने कहा डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है आपके डिवाइन पार्ट काउंटर पार्ट आपको कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो जाएगा कि कौन है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप मिलने भी वाले हो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस चीज़ की। प्रेजेंट पावर, प्रोटेक्शन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी भी है, बैलेंस की एनर्जी दिख रही है मुझे, एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, और ऐसा कोई या तो ऐसा हो सकता है आपके बॉस आपको कुछ, जैसे ज़्यादा हसलिंग चल रही है ऑफिस में, ये भी एनर्जी आ रही है, वर्क प्लेस पर बहुत हसलिंग चल रही है, थोड़ा सा लूज छोड़ो गाइस, थोड़ा सा लूज छोड़ो, अपने ना हेल्थ पे ध्यान दो थोड़ा सा। मैजिक गार्जियन अनलॉक द मैजिक विद इन, अल्टरनेट एक हीलर के पास आप जाने वाले हो, जो अल्टरनेट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे रेकी हीलर हो गए, साउंड बाथ हो गई, या टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, मुझे लग रहा है आप जाने वाले हो, श्योर, ऑलराइट, और बहुत हेल्प मिलेगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बैलेंस एनर्जी बैलेंसिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी, हो सकता है इसीलिए आप जा रहे हो कि मेरे चक्रास क्लीन करने हैं, चक्रास बैलेंस करने हैं, चक्र अलाइनमेंट करना है। ओके, तो ये भी एनर्जी है बहुत सारे टॉरस के लिए गाइस, बहुत अमेजिंग रीडिंग है, बस थोड़ा सा वर्क प्लेस का स्ट्रेस हटा दो, थोड़ा सा लेट गो कर दो, ईश्वर पे भी छोड़ो थोड़ी चीज़ें। तो ये कुछ मैसेजेस थे टॉरस आपके लिए, मुझे बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी, फीडबैक दें, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी रीडिंग्स फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।